बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने ये जो हाइब्रिड धान लगाए थे, गार्ड कंपनी का बीज है ये LP 403। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। अब इसकी सिर्फ कटाई जो है वो करवानी है, 2-3 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक। तो ये माशाल्लाह जो है लगाते हैं, हम पहले भी तीन चार साल से हैं, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह फसल जो है वो बड़ी शानदार है, बड़ी माशाल्लाह जो है वो देखने के काबिल है। तो ये इसका कद है, यहाँ तक आ रहे हैं मेरे ये, और जो इसका मुंजर है ये देखें, ये पक के तकरीबन तैयार हो गए। रंगत बड़ी अच्छी है और दाने जो हैं वो तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो भरे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन फसल खड़ी है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं वक्तन फवक्तन पनीरी से लेके, तो इसका जो सारा खाद प्लान था, जो इसको है वो पेस्टिसाइड और जो इसको सारी जो इसकी खुराक है वो गायब गाय आपको बताता रहा हूँ। तो आज माशाल्लाह इसका जो है वो कटाई के दिन आ गए हैं, तो मैंने कहा कि दोस्तों से ये भी शेयर करें। और जिन जिन लोगों ने ये LP वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी लगाई हुई है वो जो है वो देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हाइब्रिड वैरायटी नहीं लगाई, सुपर लगा रहे हैं या दूसरे कोई धान लगा रहे हैं, तो उनको मेरा मशवरा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है इसकी जो ये कटाई होगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे, और इसकी जो एवरेज आएगी वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपसे। तो जो है मेरे ख्याल के मुताबिक अब तक जो फसल है वो बड़ी माशाल्लाह शानदार है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। आप लोगों से भी इल्तमास है कि आप लोग मेरे लिए, मेरी फसल के लिए और सारे किसानों के लिए, सारे ज़िम्मेदारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको जो है वो उनकी मेहनत का खूब सिला दे, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा जो हमारे दोस्त जहाँ पे फ्लड आया हुआ है और जिनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, फसलें डूब गई हैं और चारा ख़त्म हो गया है, माल मवेशी उनके जो हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो जहाँ जहाँ भी दोस्त देख रहे हैं तो ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये अब धान जब कटेंगे 1-2 दिन तक, तो आपको दिखाएँगे भी सही, कटाई भी दिखाएँगे इंशाल्लाह, और फिर इसकी जो है एवरेज वो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक जो है वो अल्लाह के सुपुर्द, ये ओवरव्यू मैं आपको एक दिखा देता हूँ सारे खेत का। ओके जी, अल्लाह के सुपुर्द।